सीएम योगी की एक गलती ने अखिलेश को मोदी शाह को घेरने का मौका दे दिया। अखिलेश ने एक ऐसे पुराने मुद्दे को उठाया जिसका मोदी शाह की राजनीति से है नाता। कभी मोदी शाह ने 15 लाख देने भारत के लोगों के अकाउंट में आने का किया था वादा, वादा पूरा नहीं हुआ तो अखिलेश ने एक वीडियो के जरिए पूछ लिया, क्या हुआ तेरा वादा। यूपी की राजनीति में अखिलेश के लिए वो मुद्दा है फेवरेट जिस पर सीएम योगी नकेल नहीं कस पाए, उसी के जरिए अखिलेश ने कह दिया, मांग रहा है ये अपना अधिकार। 2016 में जब नोटबंदी के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वादा किया गया था हर किसी के अकाउंट में 15 लाख देने का वादा, हालांकि सरकार बनी तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जुमला करार दे दिया। शायद सोचा होगा जनता के जहन से बात निकल जाएगी। अब जनता के जहन बात है या नहीं ये हम कन्फर्म नहीं कर सकते क्योंकि भारत के लोगों को भूलने की बुरी आदत होती है। कुछ को याद तो होंगे लेकिन कुछ भूल गए, अपनी रोजी रोटी में लग गए होंगे, लेकिन मोदी के धुर विरोधियों को वो वादा याद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उसे भूले नहीं है। अब पीएम मोदी और गृह मंत्री के उस वादे को अलग ही तरीके से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी शाह तो सीएम योगी को जिम्मेदार मान रहे होंगे क्योंकि यूपी में अगर सही वक्त पर इस पर लगाम लगा दी होती तो अखिलेश यादव बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के उस वादे की व्याख्या नहीं करते। चलिए अखिलेश यादव मोदी शाह के 15 लाख के दावे को किस तरह से अपने शब्दों में पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसे जान लीजिए। यूपी के उन्नाव जिले में कड़ाके की ठंड के चलते अब जानवर भी परेशान होने लगे हैं। इसी बीच उन्नाव से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल यहां ठंड से ठिठुरते एक सांड ने बैंक में शरण ले ली। ये सांड SBI मुख्य शाखा के अंदर घुस गया जिसके बाद कर्मचारियों और उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद बैंक से सांड को बाहर निकाला जा सका। SBI की मुख्य शाखा सदर कोतवाली के बड़ा चौराहे पर है जहां सांड घुसा था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं के मामले को उठाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा। अखिलेश यादव ने एक्स पर सांड के बैंक में घुसने का वीडियो शेयर कर लिखा, सांड की क्या गलती है, किसी ने कह दिया होगा कि बीजेपी सबके खाते में 15 लाख रुपए दे रही है तो वो भी भ्रम और बहकावे में बैंक पहुंच गया होगा। अब अखिलेश ने जब इस वीडियो के साथ पोस्ट किया तो समाजवादी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी एक पोस्ट हुआ है, हाले उत्तर प्रदेश बैंकों में भी घूम रहे सांड, उन्नाव में SBI बैंक में घुसा सांड कैश काउंटर पर पहुंचा। बीजेपी सरकार में सड़कों पर तो सांड का उत्पात था ही, अब बैंक का ग्राहक भी बना। यूपी को सांड प्रदेश बनाने पर तुले भाजपाई। सपा चीफ ने साथ ही कहा कि राज्य में किसान आवारा पशुओं की समस्या से परेशान है, आज बिजली महंगी है, हमारे किसानों को अपना खेत तार लगा के बचाना पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है। सपा सरकार में जिन मेडिकल कॉलेजों को बनाया गया था वो आज नहीं चलाए जा रहे। बड़े पैमाने पर लूट बीजेपी सरकार में हो रही है, 2024 में बीजेपी की हार होगी। वैसे देखा जाए तो अखिलेश ने सांड के इस वीडियो के जरिए उस पूरी व्यवस्था पर चोट करने का प्रयास किया जिसके बारे में अक्सर वो सवाल उठाते रहते हैं, सीएम योगी की कार्यशैली पर सवाल करते आए हैं। अखिलेश ने आवारा पशुओं को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 100 से ज्यादा वीडियो डाले होंगे। कहने वाले तो कहते हैं आवारा पशु से जुड़ा मुद्दा अखिलेश की राजनीति को सूट करता है। हालांकि माना जाता है आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे में कईयों की जान गई, इसे लेकर ढेर सारे आंकड़े हैं।